अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाबरान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल राइजिंग स्टार एकेडमी। लास्ट टाइम एक्सरसाइज 2.6 स्टार्ट की थी, जिसमें पहला क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लिया था। आज मैं उसी एक्सरसाइज 2.6 के क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ने जा रहा हूं, जिसमें आप लोगों ने डेरिवेटिव मालूम करना है फाइंड डी वाई ओवर डी एक्स। तो ये जो चैप्टर था बेसिकली फर्स्ट आपने जो एक्स की पावर यानी पावर रूल, कोशेंट रूल, प्रोडक्ट रूल वगैरह यूज़ किए थे, उसके बाद नेक्स्ट हम पढ़े थे ट्रिग्नोमेट्रिक की जो डेरिवेटिव थे उसके ऊपर, फिर हमने एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक के जो डेरिवेटिव थे वो चीज़ सीखे थे। तो आज उसी की जो एप्लीकेशन है उसी के ऊपर हम आ गए हैं। तो यहाँ पे मेरे पास आज क्वेश्चन है वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। तो फर्स्ट आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, ये आ जाता है एक्स स्क्वायर नेचुरल लॉग ऑफ, ये है अंडर रूट एक्स। आप जानते हैं पावर क्या आ जाएगी, अब 1/2। और आप ये भी जानते हैं कि लॉग के अगर किसी में कोई भी चीज़ पावर में आ रही है तो पावर किस में आ जाती है, स्टार्ट में आ जाती है। मैं 1/2 को बिल्कुल स्टार्ट में लेके आ जाता हूँ, तो y इज इक्वल टू ये आ जाएगा 1/2 एक्स स्क्वायर नेचुरल लॉग ऑफ क्या आ जाता है x। अब आपने यहाँ पे डेरिवेटिव लेना है, तो आप लिखेंगे बाय टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड, बाय टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड। जब आपने दोनों तरफ डेरिवेटिव किया तो ये आ जाएगा हमारे पास डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट को शुरू में लिख दिया जाता है। अब ये हमारे पास दो फंक्शन बचे हैं एक्स स्क्वायर और नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। तो एक्स स्क्वायर नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का जो हमने डेरिवेटिव लेना है, एक आप जानते हैं कि लॉगरिथमिक फंक्शन है, एक अरिथमेटिक है, तो दोनों के ऊपर प्रोडक्ट रूल यूज़ कर देंगे। तो एक्स स्क्वायर को हमने यहाँ पे छोड़ देना है, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव लेंगे 1/x आ जाएगा, प्लस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स को छोड़ देंगे, एक्स स्क्वायर का जो डेरिवेटिव लेंगे वो क्या आ जाएगा 2x आ जाएगा। तो ये एक्स एक्स के साथ एक पावर कैंसिल आउट हो जाएगी, हमारे पास आ जाएगा 1/2 एक्स प्लस यहाँ पे रह जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, और साथ क्या आ जाता है 2x। एक स्टेप आप ये ले लें कि 1/2 उसी तरह आ जाएगा, यहाँ पे एक्स भी साथ कॉमन निकालें तो ये एक्स बाय 2 बना दें या 1/2x लिख दें, यहाँ पे आ जाएगा 1+2, मैं 2 को शुरू में लिख देता हूँ, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। तो ये हमारे पास जो पहला क्वेश्चन था उसका क्या आ जाता है, आंसर आ जाता है। तो इसका जो दूसरा पार्ट है वो अटेम्प्ट कर देता हूँ, हमारे पास जो सेकंड पार्ट है वाई इज इक्वल टू एक्स, और ये है हमारे पास होल पावर नेचुरल लॉग ऑफ, यानी इस तरह आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। तो अब यहाँ पे इसको किस तरह करना है, दोनों क्वेश्चन सेम है लेकिन प्रोसीजर का बड़ा डिफरेंस है। यहाँ पे डेरिवेटिव करेंगे तो डी वाई ओवर डी एक्स, और यहाँ पे एक स्टेप मैं मजीद कर देता हूँ कि एक्स को उसी तरह लिखता हूँ, ये अब सारे का जजर है। तो नेचुरल लॉग ऑफ एक्स होल पावर 1/2, अब यूँ कह लो ये यहाँ पे जो था जस्ट लॉग में एक्स की पावर थी जो कि शुरू में आ गई, लेकिन यहाँ पे नेचुरल लॉग ऑफ एक्स होल की पावर है। तो होल की पावर जब आ जाती किसी फंक्शन के ऊपर तो हम वहाँ पे क्या यूज़ करते होते हैं, प्रोडक्ट रूल यूज़ करते हैं। तो सिंपली यहाँ पे मैं क्या करूँगा, प्रोडक्ट रूल यानी डायरेक्ट प्रोडक्ट रूल यूज़ करता हूँ। तो एक्स को मैंने छोड़ दिया है, डेरिवेटिव ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का होल यानी 1/2 इन बिटवीन प्लस आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ एक्स 1/2 को आपने छोड़ देना है, और डेरिवेटिव ऑफ क्या आ जाएगा एक्स आ जाएगा। तो यहाँ पे अब हम डेरिवेटिव लेंगे एक्स। वैसे अब देखो सबसे पहले पावर का हल किया जाता है, तो पावर जब शुरू में लेके आओगे तो 1/2 आ जाएगा 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ, इसमें से एक पावर कम करेंगे तो -1/2, फिर आप इसकी बेस का डेरिवेटिव लेते होते। तो यहाँ पर नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, मैं इसकी जगह पर डायरेक्ट डेरिवेटिव लेता हूँ 1/x, ये चीज़ उसी तरह इसको दोबारा आप बेशक जजर की फॉर्म में भी लिख लें, और ये जो एक्स होता है उसका डेरिवेटिव क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ पे एक्स एक्स के साथ क्या हो जाएगा कैंसल आउट, तो ये मेरे पास माइनस में था, इसको बटे के फॉर्म में लेके आएंगे तो 1/√ यानी नेचुरल लॉग ऑफ एक्स आ जाएगा, और प्लस क्या आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। आप चाहें तो इसका एलसीएम भी बना दें, चाहे तो यहाँ पे छोड़ दें, आप लोगों का वो क्या हो जाएगा आंसर। चले मैं इसका एलसीएम भी बना देता हूँ, एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा 2 × नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, 1 टाइम जाएगा ऊपर आ जाएगा 1, और यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 नेचुरल लॉग ऑफ नेचुरल लॉग यानी जजर मरबा कैंसिल आउट होकर नेचुरल लॉग ऑफ एक्स बना देंगे, तो ये हमारे पास क्या आ जाता है आंसर आ जाता है। तो इस तरह आपने इसको भी क्या कर लेना है, अटैम्प्ट कर लेना है। नेक्स्ट जो इसी का तीसरा पार्ट है उसकी तरफ बढ़ते हैं,
इसका जो हमारे पास तीसरा पार्ट है वो है वाई इज इक्वल टू एक्स ओवर नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। थर्ड पार्ट y इज इक्वल टू एक्स ओवर नेचुरल लॉग ऑफ x। तो यहाँ पे मैं एक स्टेप ले लेता हूँ, सिंप्लीफाई अपनी तरफ से कर सकते हैं आप। x और नेचुरल लॉग ऑफ x आप जानते हैं कि जब आप इसको ऊपर लेके जाओगे तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज़ करो तो ऊपर जाके क्या हो जाता है, इनवर्स हो जाता है। और मैं यहाँ पे वही पुराना तरीकाकार यूज़ कर देता हूँ, y इज इक्वल टू ये देखो पावर है तो पावर लॉग में क्या आ जाती है, शुरू में आ जाती है, मैं यहाँ पे पावर को लेके आ गया और बाकी रह गया x नेचुरल लॉग ऑफ x। जब आप इसका दोनों तरफ से डेरीवेटिव लोगे तो ये आ जाएगा बाय टेकिंग डेरीवेटिव डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वन को कॉन्स्टेंट है बाहर रखिएगा, एक्स नेचुरल लॉग ऑफ एक्स के ऊपर हमने सिंपली क्या यूज़ कर देना है, आप प्रोडक्ट रूल यूज़ करना है। तो आप जानते हैं कि एक्स को छोड़ दिया जाता है, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव लोगे तो क्या आ जाएगा वन ओवर एक्स, इन बिटवीन प्लस आ जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स को छोड़ देना है, एक्स का डेरिवेटिव क्या आ जाता है वन आ जाता है, एक्स एक्स के साथ कैंसल आउट तो ये माइनस का वन उसी तरह बाहर रहेगा, हमारे पास आ जाएगा वन प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x। अब माइनस को आगे अप्लाई कर दे तो ये माइनस का वन और माइनस क्या आ जाता है नेचुरल लॉग ऑफ x, तो ये मेरे पास क्या आ जाता है तीसरे पार्ट का आंसर आ जाता है। बड़ी आसान सी एक्सरसाइज, इसी तरह लॉग और एक्सपोनेंशियल का हम क्या ले रहे होते हैं एंड डेरिवेटिव ले रहे होते हैं। इसी तरह बाकी भी बहुत सारे पार्ट हैं, यानी नेक्स्ट जो आपका जो पार्ट नंबर फोर है वो अटैम्प्ट कर लेना है। पार्ट नंबर मैं चला जाता हूँ सिक्स या सेवन के ऊपर, पार्ट नंबर सेवन इंपॉर्टेंट है उसकी तरफ बढ़ते हैं, दरमियान में आप लोग इसको अटैम्प्ट करके दे सकते हैं, यानी आप लोगों के लिए होमवर्क के तौर पे है। तो मैं डायरेक्ट पार्ट नंबर सेवन पे आ जाता हूँ। पार्ट नंबर सेवन में है कि y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ नाइन माइनस एक्स स्क्वायर, इसको आपने क्या करना है हल करना है। देखो ये सारी की सारी टर्म को आपने x के तौर पे कंसिडर करना है, यानी लॉग ऑफ x। तो जब आप डेरिवेटिव लोगे डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू ये आ जाएगा वन ओवर नाइन माइनस एक्स स्क्वायर, और जब आप इसकी बेस का डेरिवेटिव लोगे तो नाइन माइनस क्या आ जाता है एक्स स्क्वायर, वन ओवर नाइन माइनस एक्स स्क्वायर उसी तरह रहेगा, नाइन कॉन्स्टेंट है और माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आ जाता है माइनस टू एक्स। तो यहाँ पे मैं इसका आंसर लिख देता हूँ माइनस टू एक्स ओवर नाइन माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये मेरे पास क्या आ जाता है इसका आंसर आ जाता है। नेक्स्ट जो बाकी पार्ट है वो अगली क्लास में हम इसको डिस्कस करेंगे। तो आज का लेक्चर यहाँ पे वाइंड अप करते हैं, खुश रहें, खुशियाँ बांटें, दो में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।